बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ जैसे हिमालय तीर्थों धामों बुधवार रात्रि से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ में 3 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है, जबकि केदारनाथ में भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी सुबह से ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी जारी है। यहां तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर को बंद होने बाद पहली बार भारी मात्रा में बर्फ गिर रही है। हिमपात हेमकुंड और रुद्रनाथ में भी जारी है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में भी हिमपात जारी है। बर्फ और वर्षों को देखते हुए प्रशासन ने चमोली जिले के प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेजों में गुरुवार के लिए अवकाश की घोषणा की है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, सतोपंत, स्वर्गारोहिणी, कुंवारी पास, स्वर्ण शिखर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इन सभी क्षेत्रों में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं ओली में भी मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। ओली में 4 इंच बर्फ जम चुकी है। वहीं केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य समाधि और तीर्थ पुरोहित समाज के लिए पहाड़ी शैली में मकानों का काम चल रहा है, लेकिन बर्फबारी के कारण इन कामों में रुकावट आ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के टिहरी में पहली बार बर्फबारी हुई है। देखिए ये खूबसूरत नजारा।